टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग, और कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स आप लोगों ने कमेंट किया था, अजीत साहब, प्रभु देसाई, अजीत प्रवीण प्रभु देसाई और ये राजेश सोनी, तो डबल चोटी कराने के लिए। तो फ्रेंड्स आज हम सुबह सुबह फ्री हैं, तो सोचते थोड़ा सा आप लोगों का कमेंट पढ़ रहे हैं आज फ्री में। तो फ्री में क्या, ऐसे आप लोग कमेंट करते हैं तो हम जरूर पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी देते हैं हर सब्सक्राइबर को। तो हम 2-3 दिनों से मेरे सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी डिमांड कर रहे थे डबल चोटी का ब्लॉगिंग। तो फ्रेंड्स अभी हम फ्री हैं, तो आप देखते रहिए आगे, हम तो डबल चोटी बना रहे हैं। लेकिन एक कमेंट में शायद राजेश सोनी ने कहे थे कि इसे रिवन, रेड रिबन में डबल चोटी करने के लिए। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि मेरे पास रेड रिबन है नहीं, तो जो है उसी से हम किए देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए मेरा आगे का ब्लॉग, अभी हम कर रहे हैं ब्लॉगिंग हेयर चोटी का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम ऑयल लेंगे बाल में, का है कि एक सब्सक्राइबर ने हैवी ऑयलिंग करके तब तो उसके बाद चोटी करने के लिए कहे हैं। तो ऐसे भी हम एक सप्ताह में 2 बार हम तेल लेते हैं, तो सप्ताह में 2 बार तेल लेते हैं। तो आज मेरा दूसरा दिन है तेल लेने का, तो ऐसे भी हम तेल लेंगे ही। लेकिन ऐसे भी मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किए थे कि सो हैवी ऑयलिंग के लेके तब उसके बाद 2 चोटी करने के लिए, तो कर लेते हैं। लेने में अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ठंड के मौसम में ज़रूर तेल लीजिए, क्योंकि बाल ड्राई, स्किन जो होता है स्कल्प का वो ड्राइनेस हो जाता है, इसके कारण भी डैंड्रफ होता है। डैंड्रफ होना एक कोई बड़ी बात नहीं है, बस वही ठंड के टाइम में आप अपने बॉडी पर तो लोशन लगा लेते हैं बॉडी लोशन, लेकिन आप अपने बालों के पर तो कोई लोशन लगा नहीं सकते, और लोशन लगाने के लिए तो बस उसका तेल है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे बालों में डैंड्रफ ना हो, बॉयज हो या गर्ल्स, सबको डैंड्रफ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स को ही बड़ा बड़ा बाल रहता है इसी कारण होता है, तो ऐसा कोई बात नहीं, बॉयज को भी डैंड्रफ होता है। क्योंकि जहाँ जिसका भी बाल हो या अगर उसका स्कैल्प ड्राई हो गया तो उसको डैंड्रफ होना ही होना है। तो बस इसीलिए तेल लीजिए, गर्मी में मत लीजिए उतना। गर्मी में जैसे अभी आप लोगों को हम बताए हैं कि सप्ताह में 2 दिन हम तेल लेते हैं, बट गर्मी में हम नहीं लेते तेल। गर्मी में जिस टाइम बाल धोए, अगर ऑली मेरे पास जेल रहा तो जेल ही लगा लेते हैं भींगे बालों में। तो गर्मी में हम अलग बालों का ब्लॉगिंग करेंगे, जेल वाला बहुत सारा प्रोसेस करते हैं बाल को केयर करने के लिए, तो वो करेंगे। लेकिन ठंड के टाइम में हम सब कुछ छोड़ देते हैं, बस सिर्फ हैवी ऑयलिंग करते हैं मसाज, तो दिखाएंगे आपको। अभी बस सप्ताह में 2 दिन ठंड में तेल लेते हैं, और तेल लेना हमको बहुत ज़्यादा पसंद है ठंड में, उससे बाहर भी नहीं जाते, कैप भी लगाते हैं, तो और बाल का पोषण भी मिलता है काफ़ी ज़्यादा। ठंड में तो आप लोग घर में ही रहते हैं, कहीं जाना उना पड़ता नहीं है, थोड़ा थोड़ा पार्टी शार्टी तो कैप लगा के चल सकता है। तो ऑयल लेंगे तो थोड़ा बालों को भी पोषण मिल जाएगा, और आपका डैंड्रफ से भी छुटकारा मिल जाएगा, और बाल भी अच्छा खासा हो जाएगा, क्योंकि ठंड में ही बाल ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो ठंड में ही बाल पर ज़्यादा केयर करिए। और किसी किसी का फ्रेंड्स आप देखिएगा कि ठंड के टाइम में ही बाल हेयर फॉल होता है, तो बस वो बड़ा बात नहीं है, नॉर्मल है ठंड में हेयर फॉल होना। वही मेन रीज़न तो यही है कि आपको डैंड्रफ के कारण होता है। और ऑयल लीजिए भरपूर लीजिए ठंड के टाइम में, गर्मी में नहीं लीजिएगा चलेगा। गर्मी में हेयर जेल लगाइए और मेहंदी लगाइए, बहुत कुछ ऐसा आता है। गर्मी आने दीजिए तो हम आप लोगों को बताएंगे कि हेयर को केयर कैसे किया जाता है, टिप्स देंगे। फ्रेंड्स मसाज करने के बाद हम हेयर मसाज कर लेते हैं पहले अच्छी तरह से, कम से कम आधे घंटे तक मसाज करेंगे, उसके बाद चोटी करेंगे, तो देखिएगा। तो फ्रेंड्स मेरा देखिए आधा घंटा हो गया है, और हम अच्छी तरह से मसाज कर लिए हैं, अब चलते हैं डबल चोटी की तरफ ब्लॉगिंग। हम आप लोगों को बता चुके हैं एक ब्लॉगिंग में किए थे फर्स्ट टाइम डबल डबल चोटी। तो फ्रेंड्स उसमें था क्या कि हम एक बीच का मांग लेके हम 2 चोटी किए थे, और एक पफ का लेकर किए थे। लेकिन फ्रेंड्स अभी हम करेंगे साइड का मांग लेके, मतलब साइड से ऐसे करेंगे, उसके बाद चोटी करेंगे। तो दिखाते हैं अभी कि कैसे साइड से करेंगे। पहले साइड का यार लेंगे ऐसे करके, और यहाँ से लेंगे, कितना फ्रेंड्स को साइड से भी बनाना अच्छा लगता है, तो साइड का लेंगे हमेशा, ये लेफ्ट साइड रहता है, राइट साइड इधर नहीं कर लीजिएगा, बेकार लगता है देखने में और लगेगा।
और इधर कर दिए लेफ्ट साइड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे सीधे ले लिए, यहाँ तक लेंगे लास्ट तक सीधा, ठीक। अब फ्रेंड्स हमको दो पार्ट में, क्योंकि दो चोटी कर रहे थे, दो पार्ट में करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको यहाँ से कट करना पड़ेगा ऐसे सीधा और ऐसे। तो उसके लिए फिर ऐसे करेंगे साइड में यहाँ पे जाके, ना कि यहाँ ही। तो यहाँ पर से, यहाँ से सीधे ले रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, और उसके बाद यहाँ से कट करेंगे ऐसे। कट कर लिए फ्रेंड्स, देखिए अब यहाँ से सीधा दो पार्ट में करने के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर सीधा ले लेंगे इधर बाल कम हो जाएगा, इधर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको दो चोटी करना है तो बराबर वाला बाल लेना है। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे और उसके बाद सीधा ऐसे जाएंगे। तो देखिए दो पार्ट हो गया, यहाँ से ऐसे और ऐसे ऐसे आप करेंगे दो चोटी। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने बताया है कि दो चोटी करने के लिए तीन भाग में बाल ले, और तीनों इक्वल होना चाहिए, ना कोई मोटा ना पतला। तो ये देखिए तीन हम ले लिए हैं, है ना। अब तीनों को गूथेंगे कान के साइड पीछे में, बस कान के नीचे यहाँ पर। फ्रेंड्स मेरे पास रेड रिबन नहीं है, रिबन ऐसे हम यूज कर नहीं रहे, रबर बैंड लगा रहे हैं, तो देखिए लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हो गया, सेम इस साइड भी कर लेते हैं, सेम इस टाइम कर लेते हैं इधर से। ये फ्रेंड्स देखिए इस चोटी में जहाँ रबर बैंड लगा है वहाँ ही सेम इस चोटी में भी लगाएंगे। तो दोनों को पहले सामने कर लेते हैं और उसको देखते हैं। देखिए दोनों का सेम यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ हम रबर बैंड लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा चोटी रेडी है, हैवी ऑयलिंग, इतना तेल लिए हैं तब इसलिए इतना पतला लग रहा है चोटी। ये देखिए और हम पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताए थे चोटी करके करके ऐसे ऐसे करके करने के लिए तब उसे मोटा दिखता है, लेकिन फ्रेंड्स अभी हम इस ब्लॉग में ऐसा नहीं बताए हैं कोई भी कुछ भी। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग, और कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने कमेंट किया था अजीत साहब, प्रभु देसाई, अजीत प्रवीण प्रभु देसाई और ये राजेश सोनी, तो डबल चोटी कराने के लिए। तो फ्रेंड्स आज हम सुबह सुबह फ्री हैं, तो सोचते थोड़ा सा आप लोगों का कमेंट पढ़ रहे हैं आज फ्री में। तो फ्री में क्या, ऐसे आप लोग कमेंट करते हैं तो हम ज़रूर पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी देते हैं हर सब्सक्राइबर को। तो हम दो तीन दिनों से मेरे सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी डिमांड कर रहे थे डबल चोटी का ब्लॉगिंग। तो फ्रेंड्स अभी हम फ्री हैं, तो आप देखते रहिए आगे, हम तो डबल चोटी बना रहे हैं। लेकिन एक कमेंट में शायद राजेश सोनी ने कहे थे कि रिबन, रेड रिबन में डबल चोटी करने के लिए। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि मेरे पास रेड रिबन है नहीं, तो जो है उसी से हम किए देते हैं। तो फ्रेंड्स आज देखिए मेरा आगे का ब्लॉग, अभी हम कर रहे हैं ब्लॉगिंग हेयर चोटी का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
अभी हम ऑयल लेंगे बाल में, काहे कि एक सब्सक्राइबर ने हैवी ऑयलिंग करके तब उसके बाद छोटी करने के लिए कहे हैं। तो ऐसे भी हम एक सप्ताह में 2 बार हम तेल लेते हैं, तो सप्ताह में 2 बार तेल लेते हैं। तो आज मेरा दूसरा दिन है तेल लेने का, तो ऐसे भी हम तेल लेंगे ही। लेकिन ऐसे भी मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किए थे कि सो हैवी ऑयलिंग के लेके तब उसके बाद दो चोटी करने के लिए, तो कर लेते हैं। लेने में अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ठंड के मौसम में ज़रूर तेल लीजिए, क्योंकि बाल ड्राई स्किन जो होता है स्कल्प का वो ड्राइनेस हो जाता है, इसी के कारण भी डैंड्रफ होता है। डैंड्रफ होना एक कोई बड़ी बात नहीं है, बस वही ठंड के टाइम में आप अपने बॉडी पर तो लोशन लगा लेते हैं, बॉडी लोशन, लेकिन आप अपने बालों के पर तो कोई लोशन लगा नहीं सकते। और लोशन लगाने के लिए तो बस उसका तेल है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे बालों में डैंड्रफ ना हो, बॉयज हो या गर्ल्स सबको डैंड्रफ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स को ही बड़ा बड़ा बाल रहता है इसी कारण होता है, तो ऐसा कोई बात नहीं, बॉयज को भी डैंड्रफ होता है। क्योंकि जहाँ जिसका भी बाल हो या अगर उसका स्कैल्प ड्राई हो गया तो उसको डैंड्रफ होना ही होना है। तो बस इसीलिए तेल लीजिए, गर्मी में मत लीजिए उतना। गर्मी में जैसे अभी आप लोगों को हम बताए हैं कि सप्ताह में 2 दिन हम तेल लेते हैं, बट गर्मी में हम नहीं लेते तेल। गर्मी में जिस टाइम बाल धोए, अगर ऑली मेरे पास जेल रहा तो जेल ही लगा लेते हैं भींगे बालों में। तो गर्मी में हम अलग बालों का ब्लॉगिंग करेंगे, जेल वाला बहुत सारा प्रोसेस करते हैं बाल को केयर करने के लिए, तो वो करेंगे। लेकिन ठंड के टाइम में हम सब कुछ छोड़ देते हैं, बस सिर्फ हैवी ऑयलिंग करते हैं मसाज। तो दिखाएंगे आपको, अभी बस सप्ताह में 2 दिन ठंड में तेल लेते हैं, और तेल लेना हमको बहुत ज़्यादा पसंद है ठंड में, उससे बाहर भी नहीं जाते, कैप भी लगाते हैं, तो और बाल का पोषण भी मिलता है काफ़ी ज़्यादा। ठंड में तो आप लोग घर में ही रहते हैं, कहीं जाना उना पड़ता नहीं है, थोड़ा थोड़ा पार्टी शार्टी तो कैप लगा के चल सकता है। तो ऑयल लेंगे तो थोड़ा बालों को भी पोषण मिल जाएगा, और आपका डैंड्रफ से भी छुटकारा मिल जाएगा, और बाल भी अच्छा खासा हो जाएगा, क्योंकि ठंड में ही बाल ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो ठंड में ही बाल पर ज़्यादा केयर करिए। और किसी किसी का फ्रेंड्स आप देखिएगा कि ठंड के टाइम में ही बाल हेयर फॉल होता है, तो बस वो बड़ा बात नहीं है, नॉर्मल है ठंड में हेयर फॉल होना। वही मेन रीज़न तो यही है कि आपको डैंड्रफ के कारण होता है। और ऑयल लीजिए, भरपूर लीजिए ठंड के टाइम में, गर्मी में नहीं लीजिएगा चलेगा। गर्मी में हेयर जेल लगाइए और मेहंदी लगाइए, बहुत कुछ ऐसा आता है। गर्मी आने दीजिए तो हम आप लोगों को बताएंगे कि हेयर को केयर कैसे किया जाता है, टिप्स देंगे। फ्रेंड्स मसाज करने के बाद हम हेयर मसाज कर लेते हैं पहले अच्छी तरह से, कम से कम आधे घंटे तक मसाज करेंगे, उसके बाद चोटी करेंगे। तो देखिएगा, तो फ्रेंड्स मेरा देखिए आधा घंटा हो गया है और हम अच्छी तरह से मसाज कर लिए हैं। अब चलते हैं डबल चोटी की तरफ, ब्लॉगिंग। हम आप लोगों को बता चुके हैं, एक ब्लॉगिंग में किए थे फर्स्ट टाइम डबल डबल चोटी। तो फ्रेंड्स उसमें था क्या कि हम एक बीच का मांग लेके हम दो चोटी किए थे, और एक पफ का लेकर किए थे। लेकिन फ्रेंड्स अभी हम करेंगे साइड का मांग लेके, मतलब साइड से ऐसे करेंगे, उसके बाद चोटी करेंगे। तो दिखाते हैं अभी कि कैसे साइड से करेंगे। पहले साइड का लेंगे ऐसे करके, और यहाँ से लेंगे। कितना फ्रेंड्स को साइड से भी बनाना अच्छा लगता है, तो साइड का लेंगे हमेशा, ये लेफ्ट साइड रहता है, राइट साइड इधर नहीं कर लीजिएगा, बेकार लगता है देखने में और लगेगा, और इधर कर दिए लेफ्ट साइड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे सीधे ले लिए, यहाँ तक लेंगे लास्ट तक सीधा, ठीक। अब फ्रेंड्स हमको दो बार पार्ट में, क्योंकि दो चोटी कर रहे थे दो पार्ट में करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको यहाँ से कट करना पड़ेगा, ऐसे सीधा और ऐसे। तो उसके लिए फिर ऐसे करेंगे साइड में, यहाँ पे जाके ना कि यहाँ ही, तो यहाँ पर से यहाँ से सीधे ले रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, और उसके बाद यहाँ से कट करेंगे ऐसे, कट कर लिए फ्रेंड्स। देखिए अब यहाँ से सीधा दो पार्ट में करने के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर सीधा ले लेंगे इधर बाल कम हो जाएगा, इधर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको दो चोटी करना है तो बराबर वाला बाल लेना है। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे और उसके बाद सीधा ऐसे जाएंगे। तो देखिए दो पार्ट हो गया, यहाँ से ऐसे और ऐसे ऐसे। आप करेंगे
दो चोटी। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने बताया है कि दो चोटी करने के लिए तीन भाग में बाल ले और तीनों इक्वल होना चाहिए, ना कोई मोटा ना पतला। तो ये देखिए तीन हम ले लिए हैं, है ना। अब तीनों को गूथेंगे कान के साइड पीछे में, बस कान के नीचे यहाँ पर। फ्रेंड्स मेरे पास रेड रिबन नहीं है, रिबन ऐसे हम यूज कर नहीं रहे, रबर बैंड लगा रहे हैं, तो देखिए लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हो गया, सेम इस साइड भी कर लेते हैं, सेम इस टाइम कर लेते इधर से। ये फ्रेंड्स देखिए इस चोटी में जहाँ रबर बैंड लगा है वहाँ ही सेम इस चोटी में भी लगाएंगे। तो दोनों को पहले सामने कर लेते हैं और उसको देखते हैं। देखिए दोनों का सेम यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ हम रबर बैंड लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा चोटी रेडी है, हैवी ऑयलिंग, इतना तेल लिए हैं तब इसलिए इतना पतला लग रहा है चोटी। ये देखिए और हम पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताए थे चोटी करके करके ऐसे ऐसे करके करने के लिए तब उसे मोटा दिखता है, लेकिन फ्रेंड्स अभी हम इस ब्लॉग में ऐसा नहीं बताए हैं कोई भी कुछ भी।